दोस्तों आज हम जिस बंदे की बात करने जा रहे हैं वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, इसलिए तो कभी वो इंजीनियर बन जाता है तो कभी डॉक्टर, और पार्ट टाइम में तो पिज्जा डिलीवरी से लेकर प्लम्बर तक की जॉब भी कर लेता है। खैर थंबनेल और टाइटल देखकर आप पहले ही समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ इनकॉग्निटो मोड के काम देवता जॉनी सेंस की। आखिर कैसे बने जॉनी दुनिया के मोस्ट वांटेड मेल पॉर्नस्टार, और क्या है इस इंडस्ट्री की वो काली सच्चाई जिससे हम और आप अनजान हैं? जानेंगे ये सब मिलकर आज की इस वीडियो में। Factify, facts on your face. दोस्तों कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। लगता है रईस मूवी के इस डायलॉग को जॉनी सेंस ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसीलिए तो बस 13 साल के करियर में उन्होंने 2300 से ज्यादा एडल्ट फिल्मों में काम किया और वो आज भी बिल्कुल टनाटन है। अब आगे कुछ और बताएं, उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर कैसे स्टीवन वुल्फ नाम का एक आम आदमी लॉस एंजलिस में जाकर बन गया एडल्ट इंडस्ट्री का हीरो। दोस्तों 70 के दशक में जन्मे जॉनी सेंस का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर भी अक्षय कुमार वाली स्माइल आ जाती होगी। बता दें कि इनका असली नाम स्टीवन वुल्फ है और जॉनी सेंस उनका सिर्फ एक स्टेज नेम है। अब ये बात अलग है कि उनका कार्यक्रम स्टेज पर नहीं होता, क्योंकि वो कार्यक्रम सामूहिक तौर पर देखने के लिए तैयार नहीं किया जाता, इसीलिए लोग इनके काम को एकांत में देखना ही पसंद करते हैं। खैर बात करें इनके परिवार की तो उनका ताल्लुक पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से है और जॉनी अपने माँ बाप का अकेला बेटा है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो कॉलेज के दिनों में काफी शर्मीले थे लेकिन स्पोर्ट्स के दीवाने थे, और वहीं से उन्हें बॉडी बिल्डिंग का बुखार चढ़ा। फिर उन्होंने जिम कर करके अपनी बॉडी को मस्कुलर बना लिया। कॉलेज के बाद जॉनी ने कंस्ट्रक्शन में जॉब किया जहां वो हफ्ते के 6 दिन काम किया करते थे, वो भी 10 घंटे की शिफ्ट में। उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी जब उनके बाल झड़ने लगे, इसीलिए उन्होंने तब से ही अपने बालों को पूरे तरीके से साफ करवाना शुरू कर दिया, जो अब जॉनी की पहचान है। 2006 में जब 28 साल के हुए तब दोस्तों की सलाह पर कंस्ट्रक्शन की जॉब से रिजाइन कर वो लॉस एंजलिस में एडल्ट फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आ गए, जहां एडल्ट कंटेंट बनाने के लिए उन्होंने पहली कोशिश क्रेगलिस्ट एड्स के जरिए की। इसके बाद जैसे तैसे उनके लिए ब्रेजर्स.com का दरवाजा खुल गया, जहां पर जॉनी ने धूम ही मचा दी और धीरे धीरे जॉनी सेंस को ब्रेजर्स स्टूडियो का गो टू गाय माना जाने लगा, जो चलता ही जा रहा हो, क्योंकि तब तक जॉनी ने 1000 से भी ज्यादा सीन्स परफॉर्म कर दिए थे। अब वो सीन्स कैसे थे और जॉनी ने इनमें कैसा काम किया ये तो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जॉनी हर कैरेक्टर में हर जगह असरदार दिखते हैं और उनके काम के लिए उन्हें 33 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, जिनमें से 4 वो जीत चुके हैं। एडल्ट फिल्म्स के अपने करियर में जॉनी ने कई बार कुछ अलग और अनोखा करने की भी कोशिश की। 2015 में उनका एक ऐसा ही प्रोजेक्ट अधूरा रह गया जब स्पेस में जाकर वो जीरो ग्रेविटी में एडल्ट फिल्म को शूट करना चाहते थे, जिसके लिए बकायदा क्राउड फंडिंग भी की गई जिससे ये कारनामा पूरा हो सके, और इसीलिए उनका ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। 2017 में फाइनली जॉनी सेंस ने पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस किसा सेंस से शादी कर ली, जिनके साथ मिलकर इन्होंने यूट्यूब पर सिंस टीवी नाम का एक चैनल खोला है, जहां वो अपने 2 मिलियन फैंस को अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में बताते हैं और सेक्स से जुड़ी सलाह देते हैं वो अलग। खैर ये बात अलग है कि उनकी शादी सिर्फ 4 साल तक ही चली और अब वो एडल्ट फिल्म से रिटायर होकर अपनी करोड़ों की दौलत के साथ एक ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। खैर दोस्तों भले ही जॉनी सेंस के कारनामों से आप बहुत प्रभावित हों और सोचते हो कि काश आपको भी ये मौका मिले, लेकिन असल में ये इंडस्ट्री उतनी आसान और उतनी मजेदार नहीं होती जैसी कैमरे पर दिखती है, क्योंकि यहाँ 30 मिनट के सीन के लिए भी 10-10 घंटे स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके बारे में खुद जॉनी सेंस ने भले ही मजाकिया अंदाज में लेकिन कई बार बताया है। इसके अलावा लगातार 13 सालों तक पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी वो सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही कमा पाए हैं, लेकिन आपको तो लगता होगा कि ऐसी फिल्मों में काम करके हर वीडियो के वो करोड़ों कमाते होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है।
वही पॉन से इंस्पायर होकर जिस तरह से कुछ लोग अपने पार्टनर्स के साथ स्टंट्स करने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही गलत है। और इसके बारे में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स और इनसाइडर्स बता चुके हैं। जो सब कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं उनको क्रिएट ही ऐसे किया जाता है कि जनता को पसंद आए। यहाँ तक कि जिस आवाज को आप सुनकर एक्साइटेड होते हैं वो भी रियल नहीं होती, बल्कि उसे बाद में डब किया जाता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जा सके। खैर, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी करें लिमिट में करें और सही तरीके से करें, क्योंकि किसी भी चीज का एडिक्शन, चाहे वो पॉर्न ही हो, बहुत बुरा है। इसलिए जॉनी सिंस की पुरानी वीडियोस की जगह लेटेस्ट वीडियोस जो वो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं और काम की सलाह देते हैं उन्हें देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। खैर, आज की दी हुई ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।